प्राइमर का इस्तेमाल कर रही हूँ, मेकअप प्राइमर का। मैंने आपको पहले ही बताया था मेकअप प्राइमर हमको थोड़ा सा ही लेना है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा ये मेकअप प्राइमर लेके पूरे फेस पे लगा लिया है। आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट हाथ से इसको लगाना एंड पूरे फेस पे, आँखों के नीचे, पूरा जहाँ पे आपको पूरा मेकअप करना है, नेक पे, कहीं भी आप पूरा फेस प्राइमर लगा लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम लोग कंसीलिंग यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर क्रायलोन का मेकअप यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स मैं क्रायलोन का मेकअप इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इसमें हमें 3 फाउंडेशन, कंसीलिंग, कॉन्ट्रिंग वगैरह सब हमें मिल जाती है। आप चाहो तो इसको सिंगल यूज़ ले सकते हैं। अगर आपकी फैमिली ज़्यादा बड़ी है और आपको बहुत सारे मेकअप करने पड़ते हैं तो मैं आपको सजेशन करूँगी आप क्रायलोन का मेकअप यूज़ कीजिए, बिकॉज क्रायलोन का मेकअप फ्रेंड कम से कम भी 3 से 4 हज़ार रुपये का होता है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर कंसीलिंग ले रही हूँ। इसमें 2 कंसीलिंग है, एक ऑरेंज और एक ही जो ये वाइट देख रखी है, जिसका बहुत ज़्यादा वाइट कलर का रंग होता है, बहुत ज़्यादा फेयर रंग होता है, उसको मेकअप में बहुत परेशानी होती है कि वो क्या कंसीलिंग यूज़ करे, तो उसके लिए वाइट कलर की कंसीलिंग होती है। और यहाँ पर आप, मैं अब देख रहे हैं आप, मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर का पूरा कंसीलर लगा रही हूँ। अगर आपके पास सिंगल शेड है वो यूज़ कर सकते हैं, या आपको किसी और कंपनी का मेकअप देखना था वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बोल सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली लेकर आऊँगी। क्रायलोन के पीछे फ्रेंड्स मेरी यही वजह थी कि बस खाली अगर आपके ज़्यादा मेंबर्स हैं, अगर ज़्यादा फैमिली करते हो तो आप प्लीज़ सिंगल लेने की बजाय क्रायलोन का ले सकते हैं। इसके इससे फेस पर बहुत ज़्यादा शाइन भी रहती है एंड अपने को बहुत ज़्यादा बजट में ये पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर कंसीलर ले रही हूँ और इसको मैं टैप कर रही हूँ। मैंने पूरा ये आँखों के नीचे पूरा कंसीलर लगा लिया है। कंसीलिंग हमेशा टैप की जाती है, कभी भी उसको ब्रश से या स्पंज से कभी रगड़े नहीं। कंसीलिंग मैंने आपको हमेशा बताई है कि हमेशा उसको टैप करके ही लगाएं। तो यहाँ पर आप दोनों आप कंसीलिंग यूज़ करके उसको टैप कर लें। आप देख सकते हैं मेरी कंसीलिंग है बहुत अच्छे से हो चुकी है। अभी मैं पहले आई मेकअप कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड टेप लगा लिया है। टेप लगाने से फ्रेंड्स ये होगा आपके जो आई शेडो की शेप होगी ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। अब नॉर्मली शेड जितनी अच्छी नहीं आ पाती अगर हम टेप नहीं लगाते हैं। अगर जिसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो आराम से आ जाएगा। अगर आप न्यूली कर रहे हो तो मैं इसे यहाँ पर टेप दे रही हूँ, जिससे आपकी जो आई शेडो की शेप बहुत अच्छी आएगी। तो फ्रेंड्स का हरियाली तीज का मेकअप निकालो तो हमें ग्रीन साड़ी ज़रूर पहनते हैं, हरियाली तीज का मेन ये रहता है। तो आप देख सकते हैं जो मेरा ब्लाउज है ये ब्लैक कलर का एंड मेरी ग्रीन कलर की साड़ी है, तो मैं इसमें ब्लैक एंड ग्रीन कलर का ही शेडो दूंगी। तो फ्रेंड्स पहले मैं ऊपर की साइड ब्लैक कलर का ही शेडो यूज़ कर रही हूँ। आप अच्छे से देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से मर्ज कर रही हूँ। मर्ज मीन्स होता है कि फ्रेंड्स को अच्छे से फैला लेना, अच्छे से मिक्स कर लेना। तो मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अभी आपको आई शेडो की बिल्कुल टेंशन नहीं कि आपकी शेप बराबर आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर टेप लगा रखा है, तो जिसकी वजह से आई शेडो जो शेप है वो बराबर आएगी। तो फ्रेंड्स अच्छे से आप इसको मैश कर लीजिए, मर्ज कर लीजिए। देन इसके बाद मैं यहाँ पर ग्रीन कलर का आई शेडो दूँगी। अभी जो बीच का जो अंदर मैंने पार्ट छोड़ा है यहाँ पर मैं पूरा ग्रीन कलर का लगाऊंगी। आप बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लीजिए फ्रेंड्स। अगर आपके पास जो भी आई शेडो कंपनी है, जो भी कुछ है, आप वो लगा लीजिए। मैं इसलिए यहाँ पर कंपनी का प्रोडक्ट नहीं दिखा रही, क्योंकि आपके पास जो है वो लगा लीजिए, उसमें कुछ नहीं। बस मैंने क्रायलोन के पीछे मेरा वजह ये थी, अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप प्लीज़ क्रायलोन का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास जो है या आपको कोई और कंपनी का चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बोल सकते हैं, मैं डेफिनेटली वीडियो लेकर आऊँगी। भी आप देख सकते हैं जो मेरा आई शेडो बहुत ज़्यादा अच्छे से लगा है और मुझे मेरी आई बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो अभी आप देख लीजिए कितने अच्छे से हमारा आई शेडो लग गया है। फिर उसी तरह हम दूसरे में लगा लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे दोनों आई शेडो बहुत अच्छे से लग चुके हैं एंड रियली मुझे अपनी आईज बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। फ्रेंड्स के बाद हम ये टेप निकाल देंगे। हमें टेप हमेशा नीचे के साइड से लगानी, कभी ऊपर की साइड से टेप को नहीं खींचें, हमेशा नीचे से उसको खींचें। तो अभी मेरी आई शेडो जो शेप है बहुत ज़्यादा अच्छी आ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हैं एकदम। उसके बाद मैं यहाँ पर आई लाइनर का यूज़ कर रही हूँ। आप आईलाइनर लगा दीजिए, आपको जैसी भी शेप चाहिए, लॉन्ग, छोटा, मोटा, जैसा भी आपको पसंद है, या कट की, जैसा आपको कैसा चाहिए उसी हिसाब से आप आई शेडो लगा लीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग लेके लगाया, ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिया बट हल्का सा लॉन्ग लेके मैंने लगाया, देख सकते हैं। उसी तरह मैंने दूसरी आई इसमें आईलाइनर लगा लिया है। उसके बाद मैं नीचे फ्रंट, अभी मैं काजल का यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पर आईज़ के नीचे मोटा काजल लगा रही हूँ, मैंने इसे बारीक काजल नहीं लिया है क्योंकि मैं आईज़ को थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा मोटा काजल लगा रही हूँ आईज़ में। उसी तरह आप दूसरी आईज़ में काजल लगा लीजिए।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा जो काजल है वो काफ़ी मोटा लग गया। अब मैं इसके नीचे आई शेडो दूँगी, जो मैंने ब्लैक और ग्रीन कलर का आई शेडो ऊपर लगाया था वही मैं अब नीचे यूज़ करूँगी, जिससे हमारी आईज़ और भी ज़्यादा प्रिटी एंड और भी ज़्यादा स्मोकी हो जाएंगी और काफ़ी लुकिंग जिससे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा प्यारी लगेंगी। तो अभी यहाँ पर मैं ब्लैक और ग्रीन कलर का आई शेडो लगा रही हूँ। अब पूरे काजल के नीचे पूरी तरह से उसको लगा लीजिए एंड फिर ब्रश की मदद से उसको अच्छे से मर्ज कर लीजिए, काजल में ही इसको मर्ज कर लें ताकि जो आपकी आई से बहुत ज़्यादा प्यारी लगेंगी एंड एकदम स्मोकी आई इसका लुक आपको आ जाएगा। मैंने वह प्रॉपर आई स्मोकी का नहीं दिया है लेकिन कुछ हद तक मैंने स्मोकी किया है, बिकॉज मैं तीज का मेकअप कर रही हूँ, नॉट ना वेडिंग एंड ये पार्टी मेकअप। अगर ज़्यादा पार्टी मेकअप होता तो उसमें स्मोकी आई बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, तो इस पर मैं सब फंक्शन की जैसे त्योहार के हिसाब से आई मेकअप कर रही हूँ, तो मैंने हल्का सा इसको स्मोकी बनाया है। देन उसके बाद अभी मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको मस्कारा लगाने नहीं आता, अगर आपको फैल जाता तो मैं पहले उससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर की जिसमें आप देख सकते हैं मैंने मस्कारा किस तरह लगाया है। अभी फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ऐसे लगा रही हूँ कि मुझे अच्छे से इस तरह लगाने आता है। अगर आप न्यूली हैं तो अगर आप देख सकते हैं कि मेरा मस्कारा का वीडियो कि किस तरह आपको मस्कारा लगाना है जो आप पूरी आईज पर आपके फैलेगा नहीं। अगर फ्रेंड्स कभी आपका मस्कारा ख़त्म हो जाए तो मैं इसमें एक आपको ट्रिक देना चाहूँगी, आपका मस्कारा ब्रश में आप मेकअप प्राइमर लगा कर मस्कारा लगाएंगे तो आपको पूरा अच्छे से और लग जाएगा। फ्रेंड्स इसके बाद मैं आप ये आईज क्रिम्पल का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे हमारे जो आई लैशेज हैं वो और भी ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा घनी घनी लगने लगेंगी, एकदम ऊपर की साइड उठ जाएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ तो मेरा आईज मेकअप हो गया था। चलिए अभी हम लोग फेस की साइड बढ़ते हैं। तो फेस के लिए मैं पहले कंसीलिंग यूज़ करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं नोज़ की साइड में करूँ, मैंने को पहले भी बताया है कि कंसीलिंग हमेशा नोज़ के कॉर्नर में लिप्स के कॉर्नर में ज़रूर देनी है, बाकी आप कहीं भी दें ना दें। तो फ्रेंड्स मैं नोज़ में लिप्स के कॉर्नर में एंड मेरे माथे पे जो है एक बहुत मोटा एक बार पिंपल हो गया तो उसका निशान ही हो गया, तो अभी ये निशान काफ़ी हद तक ठीक हो गया क्योंकि फेस पे निशान जाने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा कुछ नहीं आज निशान हुआ, एक पैक लगाया ख़त्म। हाँ पैक से ख़त्म होते हैं लेकिन वो तीन चार एप्लीकेशन में ख़त्म होते हैं। और फ्रेंड्स लिटरली मुझे अपने लिए इतना टाइम नहीं मिला कि मैं रोज़ अपने लिए थोड़ा यूज़ कर सकूँ, मैं लेकिन अभी पहले से बहुत कम हो गए, कभी कभी मैं अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड अभी मैं यहाँ पर कंसीलिंग को टैप कर रही हूँ, आपको मैंने बताया था कंसीलिंग हमेशा टैप की जाती है। अब आप देख सकते हैं मेरे फेस पे एक भी स्पॉट नज़र नहीं आ रहा जो मेरे माथे पे था एंड मेरे फेस पे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरह से आप पूरा कंसीलिंग यूज़ कर लीजिए। देखा ना फ्रेंड्स कंसीलिंग से फेस पे कितना ग्लो आ गया है, क्योंकि क्रायलोन के बेस में फ्रेंड बात ही कुछ और है, इसका मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। फ्रेंड इसके बाद मैं यहाँ पर लिप्स पे कंसीलर लगा रही हूँ। अब कंसीलर फाउंडेशन आपको जो भी लगाना आप लगा सकते हैं, सब कुछ नहीं जो भी आपके पास है अवेलेबल हो जो अच्छा आपको लगता है वो आप लगा लीजिए, इससे कि हमारा जो लिप शेड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। फ्रेंड्स अभी हम फेस पर फाउंडेशन लगाएंगे, मैं यहाँ पर ये फाउंडेशन का बेस दे रही हूँ, आप देख सकते हैं बीच के इसमें तीन ये हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ ये तीनों है। ये फाउंडेशन है जो फर्स्ट है बहुत ज़्यादा जिसका फेयर होता है एकदम वाइट फेयर उसके लिए होता है, ये थर्ड वाला है जो थोड़ा डार्क के लिए होता है, ये बीच वाला ये मीडियम होता है मतलब कि गेहुआ रंग थोड़ा सांवला उन सब पे मैच होता है। तो मैं फ्रेंड्स ये फेस लगाने जा रही हूँ अभी पूरे फेस पे। तो अभी आपको बिल्कुल फेस लगाते समय ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपको कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए, आप बेस को किसी भी फॉर्म में लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं अभी शेप देना या वैसा देना, किसी भी तरह लगा सकते हैं। मैंने फेस पे थोड़ा वी शेप का करके बनाया, आप कैसे जैसा को अच्छा लगा आप पूरा फेस पे लगा लीजिए। आप इसे चाहो तो ब्रश की मदद से भी इसको ईजिली लगा सकते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पर ये फैलाऊंगी इसको, तो मैं यहाँ पर इसको मैंने आपको बताया था कि स्पॉन्ज से लगा सकते हैं या ब्रश से लगा सकते हैं, मैंने ऑलमोस्ट अपनी वीडियो में आपको ब्रश दिखाया, इस बार मैं आपको स्पॉन्ज से दिखा रही हूँ कि आप स्पॉन्ज से किस तरह इसको लगा सकते हैं। तो पहले आप इसको अच्छे से पूरे फेस पे लगा लीजिए, फैला लीजिए इसको अच्छे से, इसको आप अच्छे से रगड़ सकते हैं लेकिन हमेशा बिल्कुल भी टाइट हाथों से कभी नहीं रगड़ें। आप देख सकते हैं मैं इसको कितने लाइट हाथों से इसको फैला रही हूँ और ये बेस जो है बहुत ईजिली बहुत स्मूथ होता है, तो एकदम फिसलता जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत हार्ड होता है। फाउंडेशन में फ्रेंड थोड़ा सा हमको मॉइस्चर जरूर मिलाना पड़ जाता है, लेकिन इसमें आपको ना तो किसी मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी आपको रगड़ने की या कुछ करने की जरूरत पड़ती है, और बेस में को थोड़ा मॉइस्चराइजिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये मैंने पूरे फेस से फैला लिया है।
उसके बाद मैंने टैप भी कर लिया था। हमने देखा था फाउंडेशन को मुझे टैप करना होता है लगाने के बाद, ताकि उसके रगड़ के निशान रहे नहीं। फ्रेंड थोड़ा सा बेस लेके मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया, ताकि जो हमारा कान का एरिया है कि उसके आसपास बिल्कुल ना रहे। अब इसको मैं अच्छे से टैप कर रही हूँ, क्योंकि हमारा फाउंडेशन लगाने के बाद इसको टैप करना बहुत ही ज़रूरी होता है, बिकॉज टैप नहीं करोगे तो उसके निशान आपके फेस पे जल्दी बन जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लूज़ पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्रायोलिन का ही लूज़ पाउडर है। इसका वीडियो भी मैं आपको बहुत पहले दिखा चुकी हूँ। आपके पास अगर कॉम्पैक्ट है तो कॉम्पैक्ट यूज़ कीजिए, अगर आप दोनों का मैं पूछना चाहते तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो निकाल चुकी, कॉम्पैक्ट और क्रायोलिन में लूज़ पाउडर में क्या अच्छा है। फिलहाल आपके पास जो है वो यूज़ कर लीजिए। अभी मैंने यहाँ पर क्रायोलिन का लूज़ पाउडर यूज़ किया है, ये बहुत ही हल्का सा लगता है, ज़्यादा नहीं लगता और बहुत ईजिली फैल जाता है पूरे फेस पे। फ्रेंड्स इसके बाद मैं यहाँ पर कॉन्टूरिंग कर रही हूँ, मैं बहुत लाइट कॉन्टूरिंग कर रही हूँ, ज़्यादा कॉन्टूरिंग नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैंने आपको बताया था ये सिर्फ थोड़ा 30 मेकअप जिसे हमें फेस पे का अच्छा लुक चाहिए। ज़्यादा कॉन्टूरिंग करने से पूरा फेस का मेकअप ज़्यादा ओवर हो जाएगा। कॉन्टूरिंग से एक शेप आती है हमारे फेस की, जो हमारे फेस बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम किसी पार्टी में जा रहे हैं या कोई ब्राइडल मेकअप है या फिर किसी शादी का मेकअप, तो कॉन्टूरिंग ज़्यादा हो तो अच्छी लगती है। मैं फेस से थोड़ी थोड़ी कॉन्टूरिंग कर रही हूँ, ताकि आपके फेस पर वो ज़्यादा अच्छी लगे और आपका फेस बहुत ब्यूटी लगे। तो मैंने देखा है अपने नोज़ के दोनों साइड मैंने पतली सी लाइन खींच ली एंड थोड़ा सा मैंने चीक पर लगा दिया है। अब आप इसको अच्छे से फैला लीजिए, जैसा फाउंडेशन फैलाते हैं ऐसे इसको फैला लीजिए। अपने होठों को अंदर की साइड खींचिए एंड अपना कॉन्ट्रिंग को मैश खींचिए, इसको अच्छे से मर्ज कर लें। देन फ्रेंड इसके ऊपर ये वाइट वाला जो मेरा कंसीलर है मैं वो यूज़ करूँगी, बिकॉज इससे जो हमारी कॉन्ट्रिंग की जो शेप है, जो कॉन्ट्रिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है। तो फिर मैंने यहाँ पर पूरा वाइट वाला लगाया, फिर नीचे मैंने वो ब्राउन वाली कॉन्ट्रिंग लगाई है। अब दोबारा मैं इसको दोनों को ही मर्ज कर लूँगी। फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं मेरी कॉन्ट्रिंग हो चुकी है और मैंने बहुत लाइट कॉन्ट्रिंग की है। और आपको बिल्कुल ज़्यादा कॉन्ट्रिंग का चाहिए तो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो भी जल्दी लेकर आऊँगी। अभी बस खाली मैंने हल्की हल्की कॉन्ट्रिंग की, ताकि आपको तीज मेकअप पे लुक आए। अभी जल्दी मैं पार्टी मेकअप लेकर आऊँगी, उसमें मैं आपको हाई कॉन्ट्रिंग दिखाऊँगी कैसे की जाती है। फ्रेंड्स इसके बाद अभी मैं यहाँ पर ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। हमेशा ब्लशर यूज़ करते समय हमें कॉन्ट्रिंग के ऊपर ही ब्लशिंग यूज़ करनी होती है। बहुत लोग चीक्स के ऊपर एकदम कर देते हैं, जो कि चीक्स हमारे बहुत बड़े बड़े लगते हैं और बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो हमें हमेशा याद है कि जब भी आप ब्लश करें, तो मैंने आपको बताया था ब्लश आपको कैसे करना चाहिए, वो भी मैंने आपको तरीका बता चुका है कि किस तरह आप लिप्स के ऊपर अपना शेड लेके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रिंग की, तो सबसे ईजी तरीका है कॉन्ट्रिंग के ऊपर आपको ब्लशिंग दी जाती है, कि कॉन्ट्रिंग जहाँ ख़त्म हुई वहीं आपके ऊपर उसके ऊपर आपकी ब्लशिंग चालू हो जाती है। उस तरह मैंने पूरा फेस अभी अपने चीक्स पर मैंने ब्लशिंग लगा लिया है, हल्का सा मैं नोज़ पे दूंगी, फिर मैं थोड़ा सा फोरहेड पे दे दिया है एंड थोड़ा सा मैं लिप्स पे नेक पे दे दूंगी, जो कि बहुत अच्छा लुक आता है। आपको हाई नहीं करना, नहीं तो आपका फेस पूरा रेडिश रेडिश हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो मेरे चीक्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब इसके बाद मैं हाइलाइटर का यूज़ करूँगी। अभी आप सोचते हैं कि मैं यही हाइलाइटर क्यों यूज़ करती हूँ, तो फ्रेंड्स मुझे हाइलाइटर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें 4 to 5 शेड हैं। हम लोग हाइलाइटर यूज़ करते हैं जो अलग अलग शेड का लेते हैं, या तो एक शेड का लोग रेड कलर का ज़्यादा लेते हैं, बट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें रेड पिंक वाइट सब आपको जैसा आप जिसको मिक्सअप करके लगा सकते हैं, अलग से लेके लगा सकते हैं एंड इसको आप आईब्रोज के नीचे लगा सकते हैं, इसलिए मुझे यही हाइलाइटर बहुत अच्छा लगता है। और ये महंगा भी नहीं है, सिर्फ 350 का आपका ये हाइलाइटर आता है और आपको बहुत लंबा चलता है। तो भी मैंने हाइलाइटर लगा लिया। अब मैं नोज़ का जो पॉइंट है जो वाइट वाला है वो मैं इधर लगा लूँगी, जो आपकी नोज़ है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, एकदम शाइन करेगी। तो फ्रेंड्स अभी भी इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा ही स्पार्कल लगा रही हूँ अपनी आइज़ के ऊपर, जिससे कि हमारी आइज़ बहुत ज़्यादा और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास 5 शेड है, तो मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर का शेड दिया, क्योंकि बिकॉज मेरे ब्लाउज में है जो गोल्डन वर्क आ रहा है। आप चाहो तो ग्रीन कलर का दे सकते हो, बट ग्रीन कलर का स्पार्क का देखिए वो ज़्यादा हाई स्मोकी हो जाएंगी। तो अगर वो रात के मेकअप है तो रात के लिए आप आइस ग्रीन का स्पार्क कर दे सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर गोल्डन दिया जिससे मुझे गोल्डन, क्योंकि वो मेरे ब्लाउज में आ रहा है। फिर इसके बाद मेरा लास्ट आ गया फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लैक्मे 9 to 5 का रेड कोट लगा रही हूँ। ये शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ये ओल्ड ड्रेसेस पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स ये मेरे 3 शेड मेरे
थ्री लिपस्टिक ये मेरी ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, ये रेड कलर का भाई। मैं अभी जल्दी इसका दोबारा मंगाने वाली हूँ। ये शेड मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। आपको जो भी शेड पसंद हो ड्रेस के कोड़े वो पहन लगा लीजिए। फिर यहाँ पर मैंने ये बिंदी लगाई है बिकॉज फ्रेंड आ तो तीज का मेकअप तो आपको श्रृंगार का बनता है ना, बिंदी के बिना श्रृंगार किया है ना फ्रेंड्स। तो अभी मैं आप अभी सिंदूर भरने जा रही हूँ। बहुत टाइम बाद मैंने शायद किसी वीडियो में आपको ये सिंदूर भरते हुए दिखाया होगा। मैंने सोचा आज क्यों ना आपके साथ पूरा मेकअप शेयर किया जाए। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने थोड़ा सा ज्वेलरी पहन ली है। मैंने कानों में इयर रिंग, माथे पे घूमर, जिसे हम लोग मोर पंख बोलते हैं या राजस्थान टीका क्या बोलते हैं मुझे प्रॉपरली नहीं मालूम इसको क्या बोलते हैं। एंड ये मैंने ये बड़ा सा ईयर रिंग कैरी किया है एंड मेरी ग्रीन कलर की ये बैंगल्स। तो फ्रेंड्स ये हो गया मेरा तीज का मेकअप तैयार। कैसा लगा आपको मेकअप? प्लीज अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी तीज फ्रेंड्स, बाय बाय।